है और क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले भोजपुरी दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम है। और लोकेशन के बारे में ऐसा है कि भोजपुरी में सब लोग आजकल ट्रेंड बना लिए हैं कि यूनिट को लेना है और गुजरात जाना है, पिक्चर को बनाना है और आना है और भोजपुरी दर्शकों को परोस देना है। हमने खास करके इस फिल्म में ऐसा सोचा है कि हमारे भोजपुरी दर्शक जो हैं अब पहले जैसे थे अब नहीं है, उनकी भी अभिलाषा है, उनकी च्वाइस है कि हमारा भी लोकेशन अच्छा होना चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्टर का काम अच्छा होना चाहिए, अच्छा आर्ट होना चाहिए, अच्छा प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अच्छा गाना होना चाहिए। इसलिए मैंने इस रानी दिलवर जानी में जो 9 गाने बनाए हैं वो सब भोजपुरी की सबसे अच्छी अच्छी अदाकारा, अच्छी अच्छी हीरोइन उनको लेकर और अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम, अच्छे अच्छे लोकेशन और अच्छे अच्छे तरीके से इस गाने को बनाकर भोजपुरी दर्शकों को पेश करने की कोशिश की है। रानी दिलवर जाने की बात करें तो सर पहले से सुर्खियों में है और क्या क्या ऐसा कुछ इसमें खास, क्या कुछ अलग है? रानी दिलवर जाने का खास बात ये है कि ये खास करके भोजपुरी दर्शक जो होते हैं जिनकी सही में दिल की व्यथा कहानी, जो यंग होते हैं जो गांव से यहां आते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके दिल में भावना होती है कि काश मैं भी रानी चटर्जी, मैं भी मोनालिसा, मैं भी पार्की हेड़े, मैं भी अंजना सिंह, मैं भी सुमी शर्मा के साथ मैं भी हीरो होता और ऐसा लगता। उसी चीज़ को इसमें मैंने पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। राजेश जी, बात करें बिजनेस की, बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट विषय होता है फिल्म बनाने का, तो ये नए लड़कों को लेकर काम करना कितना आपको कठिन लगता है या क्या क्या कहना चाहेंगे नए लड़कों? मेरे ख्याल से पिक्चर आज के समय में ऐसा है कि मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सही अर्थों में अगर प्रोड्यूसर के दिल से पूछे तो जितने बड़े को लेगा उसका भी पैसा रिकवर होता नहीं है, जिसका प्रमाण है कि कोई भी प्रोड्यूसर ने अभी तक फ्लैट नहीं लिया है। मैं तो कहता हूँ डायरेक्टर ने भी फ्लैट नहीं लिया है, लेकिन हीरो लोगों ने फ्लैट लिया है, प्रॉपर्टी लिया है, बंगला लिया है, न जाने क्या क्या लिया है, भगवान उसको और दुगना देवे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर को नहीं लिया है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ उनको न लेकर भी ऐसा है तो उनको न लेके ही ऐसा रहा जाए और उसके दर्शक को अच्छी चीज़ दिया जाए तो और अच्छा है, क्योंकि उस साइड में आज़ादी नहीं है काम करने का, इस साइड में काम करने की आज़ादी है। राजेश जी, चलते चलते आखिरी सवाल, जब ये कब तक ये थिएटर पर लगेगी और कब तक इस फिल्म को दर्शक देखेंगे? ये पिक्चर 100% पूर्ण हो चुका है और इसकी डबिंग एडिटिंग सभी हो चुकी है, इसको बस सेंसर करने के चक्कर में है। ये गाना मेरा लास्ट है और जिस तरह से आप मीडिया वाले जानते हैं कि गाने का एडिटिंग, डबिंग और बैकग्राउंड तो होता नहीं है, तो इसको बस जैसा इंजन के डब्बे में ज्वाइन होता है ज्वाइन करके सीधा हम इसको रिलीज करने का बारिश के बाद प्लान बना रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलो थोड़ा सा जरूर हीरो बना, भोजपुरी में था
भी हीरो बन सकते लगल कमाल भैया बन गया जरूर हम ही के हीरो बनाते चलो के बाली जी क्या कहना चाहेंगे अगर ऑन लोकेशन की बात करें और फिल्म की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे क्या पिक्चराइज हो रहा है वहाँ? ये पिक्चर का नाम है रानी दिलवर जानी, जो मेरी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। हमने एक प्रमोशन सॉन्ग शूट कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर अंजना सिंह है, सुधीर शर्मा है और हमारे भोजपुरी के जो मेन खलनायक अवधेश मिश्रा जी हैं और कॉमेडी आर्टिस्ट है के गोस्वामी। तो हम लोग एक गाना पिक्चराइज कर रहे हैं, एडिशनल सॉन्ग है इसके अंदर, इसलिए डाला है कि पब्लिक को और अच्छा लगे। तो इसके अंदर काफ़ी हम लोगों ने ऐसे सीन डाले हैं जो पिक्चर का है, शूटिंग में शूटिंग है, तो शूटिंग में हम लोग क्या और अच्छा दिखा सकते हैं वो सब चीज़ें हम लोग इसमें डालने की कोशिश की। तो ये रानी दिलवर जानी की बात करें तो वैसे ही मतलब नाम से ही लगता है कि रानी की पिक्चर है, लड़का होगा, रानी की बातें होगी, रानी की शादी सगाई होगी। तो क्या कुछ अगर अलग, अगर रानी दिलवर जानी की बात करें, कहानी की बात करें, क्या कुछ अलग इसमें तड़का है जी? ये फुल कॉमेडी पिक्चर है रानी दिलवर जानी। रानी के बड़े फैन होते हैं लोग और कोई कॉमेडी है, आप देखोगे इसमें कहानी आपको बहुत अच्छी मिलेगी कि यूपी बिहार में लड़के लोग कैसे हीरो बनने के लिए अपना क्या क्या स्ट्रगल करते हैं और बॉम्बे आके वो कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, कितना दुख झेलते हैं, उसके अंदर पूरा मसाला कॉमेडी फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है। तो कहीं ना कहीं ओम शांति ओम को रिपीट किया गया है कि सारे स्टार इसमें नज़र आएंगे, वो चाहे पाकी हेगड़े हो चाहे वो जी जी। तो ओम शांति ओम एक पुनर्जन्म के ऊपर कहानी थी, कि पुनर्जन्म तो नहीं है, एक ही जन्म में उसके साथ क्या होता है वैसा है, और ये काफ़ी चीज़ें लोगों के रियल कहानी घटना के ऊपर है, जैसे लोग आए हैं, जैसे हीरो बने हैं। एक टाइम पर हम भी गाँव से आए थे, इधर आके स्ट्रगल किया तो एक पिक्चर में हीरो भी बन गए थे हम। तो ऐसे ही सब जगह सबकी कहानी से मिलनी जुलनी पिक्चर है ये, और आप देखोगे, दर्शक लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाली जी, अलग अलग गानों पे अलग अलग अभिनेत्रियाँ हैं, हाँ जी, क्या उसका कुछ थीम है क्या अलग अलग जी? थीम मतलब वो शूटिंग, एक तो क्या है ना, वो लोग ड्रीम में जाते हैं तो किसी लड़की के ख्याल में आते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी एकड़ों को लेके आए, जिससे क्या होगा कि हमारे पिक्चर में वैल्यू बन जाएगा और सीन भी बन जाएगा। और कहीं हम लोगों ने शूटिंग के अंदर शूटिंग है तो वहाँ हम लोग पूरे आर्टिस्ट को भरना चाहते, हर किसी चीज़ की कमी ना रहे, कि सब आर्टिस्ट मिले और दर्शकों को अच्छा लगे। बाली जी, आखिरी सवाल, चलते चलते कब तक ये दर्शक इस फिल्म को देख पाएंगे पर्दे पर? ये देखिए, हम लोग कोशिश है दुर्गा पूजा के करीब करीब लेके आने की, लास्ट है बस, अभी पोस्ट के बाद हम लोग जल्दी जल्दी लेके आएंगे जी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पे अगर पिक्चराइजेशन की बात करें, ऑन लोकेशन की बात करें, तो क्या सीन पिक्चराइज हो रहा है जी? सीन है कि एक गाना है जहाँ फिल्म के जो हीरो किरदार हैं वो आते हैं, वहाँ शूटिंग चल रही है। शूटिंग में अवधेश मिश्रा जो मैं हूँ वो रियल लाइफ का अवधेश मिश्रा आते हैं वहाँ पे, ये लोग हमारे फैंस होते हैं, आते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद एक शूटिंग चल रही है गाने की शूटिंग, जहाँ मैं हूँ एक दूसरे ही सिनेमा के लिए उसमें बैठा हुआ हूँ और ये लोग देखते हैं। ये एक सिंपल सी कहानी है, आज हमारे एक इसमें स्पेशल अपीयरेंस जी जी। अवधेश जी, आने वाली फिल्मों की बात करें तो आपका कौन सी फिल्में आ रही हैं? अभी तो कल ही छदारी रिलीज हो रही है, उसके बाद रंगदारी टैक्स है, ज्वाला है, होगी प्यार की जीत है, मेहंदी लगा के रखना है, और किस्मत ने सब फिल्मों को बहुत अच्छा मकाम दिया है, बहुत अच्छी फिल्में बनी है। सारा अच्छी फिल्मों का जो इंतज़ार रहता है एक हर एक्टर को, तो वो मुझे लगता है इस बार जो भी है बिल्कुल बंच में अच्छी फिल्में हैं, बाकी हमारे दर्शक जी। अवधेश जी, चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों ने इतना प्यार दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री को, एक छोटी सी छोटा सा परिवार था, इतना बड़ा परिवार हो गया है भोजपुरी इंडस्ट्री, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, हम भोजपुरी की वजह से हैं और भोजपुरी जहाँ भी है हमारे दर्शकों की वजह से है। आज मुझे कोई जानता भी है तो भोजपुरी के नाम से जानता है, चाहे मैंने साउथ की भी फिल्म की या उड़िया का फिल्म किया या हिंदी, जो भी ऊपर वाले ने चांस दिया है, लेकिन मेरी पहचान है कि भोजपुरी का एक बहुत अच्छा उमदा एक्टर है, तो बड़ा प्राउड भी होता है। पहले लोग शर्माते थे कि भोजपुरी के एक्टर कहलाने में, लेकिन अब मैं बता दूँ, हमारे दर्शक खुश होंगे कि हमारी पहचान हमारी भोजपुरी से हमारा
और भी प्राउड बढ़ा है, घटा नहीं है। तो थैंक्स सबको, हमारे दर्शकों को, हमारी भोजपुरी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। गाने बहुत सारे लिखे, बहुत सारे लोगों को बचाया, अब आज खुद नाचने जा रहे हो, नाच रहे हैं, क्या एक अनुभव है? दोनों में फर्क महसूस होता है कुछ? सबसे पहले तो जे भी भोजपुरी दर्शकों का हम श्याम दादी हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। और आप सबके पता है कि हम पहले तो राइटर हैं, उसका बाद बहुत हमारा लिखल गाना पर दिनेश लाल, पवन सिंह, खेसारी लाल, रवि किशन, मनोज कुमार सब तो नचले बा। तो बाई चांस हमारे आज अपना खुद लिखल गाना पर नाचे का मौका मिलता तो टॉप तो तनिक बा, लेकिन अच्छा बाटे लोग का आदमी देखा था कि क्या हो सकेला। श्याम जी, मुश्किल क्या है, गाने लिखना ज़्यादा मुश्किल है या फिल्मों में काम करना मुश्किल है, क्या फर्क? अगर मुश्किल अगर पूछे तो मुश्किल सबसे बा सोच, क्या तो सोच सोच के तो हम किस रोज रात के अपने सोचे ला तो कि जड़ जाता। अगर राइटिंग और एक्टिंग में रहा पूछे तो राइटिंग टॉप बा, एक्टिंग ठीक ठाक बा, जरा और तो खतरा को बात नहीं है, जरा नहीं किया तो खतरा टॉप बा, लेकिन हाँ एक्टिंग भी अच्छा बा। आज हमारा करे का मौका मिलता है, हमारे प्रोड्यूसर राजीव जी हैं, डायरेक्टर बाली जी, ये लोग के माध्यम से हमारा आज एक्टिंग करे के मौका मिलता है, जरा खतर हम लोग बहुत बड़ा भारी बने। और बाकी जानता जनार्दन पर बाकी हमारे फिल्म आवता तो जरा हमारा गाना के प्यार मिलल बा आज तक, वही तरह पहले का बार एक्टिंग पर क्या आवता नहीं, जो हीरो आवता नहीं, तो सबको हमारे का प्यार दे और आगे बढ़ाओ। श्याम जी, एक आखिरी सवाल, रानी दिलो जानी में क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो आप? जी, ये फिल्म बटे कि वो गांव के लेकर आता था, तो उन्हीं का शौक बा हीरो बने के, जैसे आजकल हर यूपी बिहार में सब के शौक बा, जो भी नौजवान बटे उनके शौक बा कि हम हीरो बन जाए, तो हीरो बने के शौक बा लेकर के पाता कि रानी चक्र जी के बहुत बड़ा फैन बा, तो सोचे थे कि हम हीरो बन जाए, तो वे लाइन बटे कि सपना लेके पहले कैसे हीरो बनी तो पता चलता कि एल्बम बनाव पड़ी, जैसे निरहुआ का एल्बम बनल, पवन के एल्बम बनल, तो वही टाइप के एल्बम बनाओ था अपन पहले हीरो बनने से पहले जो एल्बम हम हिट हो जाए, तो जैसे ही लोग हीरो बनल हम बन जाए तो एल्बम फ्लॉप हो जाता, तो जब कर्जा पता ही लेके एल्बम बने ले तो लोग कहता पैसा मांगता अपन, तो वहाँ से मुंबई भाग क्या होता कर्जा से बचे खतरा, और यहाँ स्ट्रगल कैला के बाद बावजूद बहुत दिक्कत होता, इतना दिक्कत सहला के बाद काम जब नहीं मिलता था आखिरी में सोचे था कि अब घर चल जाए। ऐसे कुछ कहानी घुमाओ बाकी कि एक टाइम पे कि बहुत बड़ा एल्बम जब फ्लॉप हो चुकल बा, एक बार हिट हो चुकल, हिट हो जाता जो आजकल होला बिहार में, तो उस हिसाब से हम स्टार बन जाता नहीं, तो पूरा बढ़िया बहुत बढ़िया रानी के साथ पहले का काम जो सपना लेके हम आइल बनी के रानी संग काम करें, तो रानी के संग हमारा सपना पूरा हो जाता, वो गाना होता रानी के संग एगो गाने में हम पूरा स्टार बन जाता नहीं, जौन के हर फिल्म के लास्ट में होला फिल्म में भी बा, तो सब दर्शक लोग के कुछ अलग देखे के मिली, कॉमेडी बा, रोमांस बा, एक्शन बा, आई पहला फिल्म बा जाना फिल्म के अंदर लगभग 7-8 गो हीरोइन बन लो, जैके मतलब गेस्ट अपीयरेंस में कहल जा सकता कि आदमी ले ले बा, तब पहलका बार पब्लिक आई तो बोर ना हुई हमने के नया बन जाए, लेकिन बाकी जितना लोग बा बीच के हमने के को आर्टिस्ट सब के नामी बाटे, कुणाल जी, अजय जी हैं, सुभी जी, अंजना सिंह जी हैं, रानी चटर्जी हैं, पाकी जी हैं, मोनालिसा जी हैं, विराज भट्ट हैं, जैसे बहुत सारे नाम हैं इस फिल्म में जो आप लोग देखेंगे तो खुशी से मतलब गदगद हो जाएंगे। तो मैं आग्रह करूँगा आपसे हाथ जोड़ के विनती करें कि आप लोग नज़दीकी सिनेमा में आकर वह देखी और हमारा फिल्म रानी दिलबर जानी के बहुत बड़ा हिट बने। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रणाम। अगर पूरे लोकेशन की बात करें, शूटिंग की बात करें, ऑन लोकेशन की बात करें, रानी दिलबर जानी की बात करें, तो किस प्रकार का किरदार है और क्या यहाँ पे पिक्चराइजेशन और क्या तिकड़ी चल रही है? जी सबसे पहले नमस्कार प्रणाम। हाँ तो अब रानी दिलबर जानी का जो ये सेट लगा हुआ है फिलहाल, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि रानी दिलबर जानी का एक ऐसा गाना पिक्चराइजेशन किया है कि जो अब तक का भोजपुरी में सुर्खियाना टाइप नहीं हुआ, तो जैसे फुल मसाला इस रानी दिलबर जानी में डाला जा रहा है पब्लिक के लिए कि ऑडियंस आएगी, मज़ा लेगी, तो उसी हिसाब से एक और पब्लिक को खुश करने के लिए एक नया पैटर्न डाला जा रहा है, उसमें अंजना जी हैं और सुभी जी हैं, खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है बस। आपके किरदार की अगर बात करें तो क्या क्या ट्विस्ट है, क्या किरदार है, क्या क्या कुछ चक्री चल रही है रानी दिलबर जानी?
कौन हासिल करने की कोशिश करता है, किसको मिलती है रानी, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ऐसा होता है, किरदार के बारे में आप बात करें तो मैं बता रहा हूँ कि मैं एक धोबी का लड़का होता हूँ, वो निहायत ही गरीब और परेशान। रानी के चक्कर ऐसा होता, भूत सवार होता कि कपड़ा प्रेस करते करते रानी का चेहरा दिखाई पड़ता, कपड़ा सबका जल जाता है। बाप तो डंडा लेके पिटते हैं, लेकिन वो जगह कपड़ावा जल गया ना, हाँ वो अब समझ ली। तो बस एक ही बात है कि हीरो बने के सोचे, जैसे रउआ जानते हैं कि यूपी बिहार में देखा तो जिस टी शर्ट अगर जो लड़का डाल ली तो समझ लो अपने आप पे निरहुआ खेसारी कमल समझे मारे क्या, तो पता है रउआ के। तो हमारो वही भूत सवार चल अली गांव से बम्बई, अब बम्बई आके क्या हाल भैल भैया, वो तो पर्दा में देखी, पर्दा पे देखी लोग तो पता चली। बस यही है कि जैसे होता है कि सारे फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है, तो हैप्पी एंडिंग इस पिक्चर में भी होता है, और हीरो बनते हैं, स्टार बनते हैं, लेकिन कैसे स्ट्रगल करके बनते हैं वो देखने को मिलेगा। और मैं इतना कहूँगा, इमोशनल जो है उसके अलावा बहुत सारे मसाले भी हैं इस पिक्चर में, इतनी सारी हीरोइनें हैं जो अभी तक भोजपुरी में नहीं दिखाई पड़ी है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, रानी चटर्जी, मोना लिसा, पाकी हेगड़े, सीमा सिंह, सुधी शर्मा, अंजना सिंह, माही खान, अर्चना सिंह, इतनी सारी हीरोइनों का मसाला है इस पिक्चर में। तो देखिए, हम भी कोशिश किए हैं, हीरो बन के आए हैं, अब हीरो हम कैसे बन रहे हैं, कैसे बनेंगे, ये तो जनता जनार्दन ही फैसला करेगी। और जनता जनार्दन अगर जो चाहेंगे तो जमीन से उठा के आसमान पर बैठा दे तो रउआ लोगन के पता बा। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करत आनी कि राव हमारा पिक्चर देखे आई और आशीर्वाद हमारा के इतना दी कि क्या मांगत आनी तोहरा से, जमीन से वहाँ जाकर रउआ लोग समझे तानी, बड़ा समझदार बानी, तो वही करी। नमस्कार, मिलते हैं रानी दिलबर जानी हिट कराते, ठीक है भैया, चलिए प्रणाम, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, जिस अवतार में आप दिख रहे हैं उस शेख बने हुए हैं, क्या है ये शेख, ये इसके पीछे और किस प्रकार का आपका किरदार है और क्या यहाँ पिक्चराइजेशन चल रहा है उसके बारे में जी जानना चाहेंगे। ठीक, ये फिल्म है रानी दिलबर जानी, डायरेक्टर बाली जी हैं, सब जानते हैं, सुपर स्टार डायरेक्टर श्याम देहाती जी इसमें हीरो हैं, और मैं इसमें एक गेस्ट अपीयरेंस में आया हूँ, सिर्फ गाने में आया हूँ मैं, एक गाने के लिए जो शेफ बनकर आऊँगा मैं, और जो यहाँ पर जो दो तीन हसीनाएँ हैं उनके साथ हम थोड़ी मस्ती करेंगे, पब्लिक डिमांड में हम आए हैं तो पब्लिक को, जो ऑडियंस को मज़ा आने के लिए, उनको एंटरटेन, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए मैं आया हूँ। देखिए अभी शूटिंग शुरू करेंगे। ये सर का मेकअप भी शेख वाला है या अलग से किया गया? नहीं, ये सब मेकअप भी स्पेशल किया गया है शेख वाला, वरना मेरे बाल तो सब सफ़ेद हैं। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, के जी आज यहाँ पे फूर प्योर प्योर एंटरटेनमेंट करेंगे लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल फुल एंटरटेनमेंट करेंगे। बाली जी डायरेक्टर हैं, राजेश जी प्रोड्यूसर हैं, श्याम देहाती जी हीरो हैं, इन लोगों के साथ पहली बार मैं काम करूंगा, मुझे मज़ा आएगा, आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहीं ना कहीं दर्शक आपको इस गाने के अंदर शेख बन के ठुमका लगाते वगैरह भी देख पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठुमका लगाऊँगा। वैसे उन्होंने आदेश नहीं दिया ठुमका लगाने का, वैसे तो मुझे ये बिठा रहे हैं, लेकिन मैं उठ के ठुमका जरूर लगाऊंगा। जी चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? जिस तरह आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, उसी तरह इस फिल्म को भी सुपरहिट बनाइए, आप सबका प्यार रानी दिलबर जानी को भी चाहिए। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू। चार बात
वही दशा हो गया। सब कोई इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए बस ओके।
ये लड़की को देखना बस, सब लोग इसको देखेंगे, रेडी टेकिंग साउंड। क्या बजाना है मंडोल? कुछ तो अलग होगा, कुछ नया होगा। अर्चना अगर बात करें, अंजना तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं फुल प्योर एंटरटेनमेंट इस गाने में देखने को मिलेगा दर्शकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, फुल एंटरटेनमेंट। किस प्रकार का गाना होगा, क्या क्या अलग अंजना को इसमें टूका लगाएंगी या कुछ इसमें ग्लैमर होगा, क्या कुछ होगा? ऑब्वियसली आप हमारे कॉस्ट्यूम से देख सकते हैं कि ये टिपिकल भोजपुरी सॉन्ग नहीं है। लहंगा चोली मांग टीका टिकलू नोज रिंग ऐसा कुछ नहीं है, एक अर्बन स्टाइल में है। अर्बन बेली डांस होगा इसमें, कुछ डिफरेंट
मतलब काफ़ी सारे बैली डांसर्स भी आए हुए हैं, सेटअप भी वैसा लगाया हुआ है, तो एक अलग लुक है यहाँ। ये ऐसा सॉन्ग है कि हीरो ड्रीम में देखता है और हम लोगों को देख के वो ड्रीम में आता है और हीरोइनों के साथ में वो खुद को एज एन हीरो समझ के डांस करने लगता है। ये शूटिंग के अंदर शूटिंग हो रही है, ऐसा सॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं दर्शक इस बार अंजना को शकीरा के रूप में इस गाने में देखेंगे जी। दर्शक इस बार अंजना को अंजना के ही रूप में देखेंगे, जो शकीरा है वो शकीरा अलग है, बट हम भोजपुरी शकीरा नहीं, अंजना है। और पूरे अवधेश जी की बात करें, गाने की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, तो कैसा रहा पूरा सेट पे केमिस्ट्री, कैसी रही अवधेश जी की? बहुत, अवधेश जी के साथ में तो हम पहले भी बहुत काम कर चुके हैं और हमेशा बहुत दुष्ट आदमी है वो, मतलब स्क्रीन में, ऑन स्क्रीन वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं। और रही बात उस प्रोडक्शन हाउस की, तो राजेश सिंह इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू है, काफ़ी अच्छे से पिक्चराइज कर रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि ये छैला बिहारी जी की फर्स्ट फिल्म है, एक हीरो की लॉन्चिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए वो सब कुछ इसमें कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच राजेश सिंह जी एंड ऑल दी बेस्ट छैला बिहारी जी, आपकी ये फर्स्ट फिल्म है, सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव हो, अच्छी हो, यही हमारी विशेष है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आने वाली फिल्मों की अगर बात करें अंजना की, तो कौन सी फिल्म पाइप में है? मेरी आने वाली फिल्मों में है मुकामा, 0 किलोमीटर, बेटा, दिल है कि मानता नहीं, तेरे जैसा यार कहाँ, दबंग दरोगा, त्रिशूल, ये सारे फिल्में हैं मेरी इस साल रिलीजिंग के लिए। मुकामा बहुत चर्चे में है, आपको लेके क्या कहना चाहिए, क्या कुछ ऐसा उसमें मुकामा में है जो हर समय चर्चों में, सुर्खियों में बना हुआ है उस फिल्म, क्या कहना चाहिए? बिकॉज अंजना है उसकी, बिकॉज वो फिल्म बहुत अच्छी है एंड बहुत एक अलग ही कैनवास की फिल्म बनी है और थोड़ा लीक से अलग बनी है, इसलिए वो इतना चर्चे में है। और सब एक अलग ही अलग किरदार में, उसमें टिपिकल बेस ये नहीं है कि गांव का मुखिया था, उसकी बेटी है एंड हीरो है, शादी हो जाती, प्यार हो जाता है, झगड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ अलग है, एक थ्रिल है, ड्रामा है, ऑडियंस हमारे इंजॉय करेगी। और जो मुकामा 0 किलोमीटर है वो हमारे बिहार का एक जगह है, वो रियल घटना पर आधारित फिल्म है। अंजना की बात करें तो बहुत सारी फिल्में हैं जो कह सकते हैं, लेकिन इन सब के अलावा अगर अंजना की बात करें तो अंजना के दिल के करीब कौन सी फिल्म है, अगर मुकामा के अलावा बात करें? मुकामा के अलावा मेरी फर्स्ट फिल्म जिससे आज मैं अंजना सिंह बनी, एक और फौलाद, और एक मेरी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म आई थी बहू रानी, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मुझे लगी, फर्स्ट ऐसी फिल्म थी जिसके प्रमोशन में मैं गई और मुझे ऐसे ऐसे करके थिएटर में औरतें नहीं ढूंढनी पड़ी, लाइन से औरतें बैठी होगी, पहली ऐसी फिल्म थी बहू रानी। तो ये दो फिल्में मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अंजना आखिरी सवाल, चलते चलते भोजपुरी इंडस्ट्री एक छोटा सा परिवार था, आज इतना बड़ा परिवार हो गया, आप लोगों को दर्शकों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया है, क्या कहना चाहेंगे इन दर्शकों को जो भोजपुरी सिनेमा खास करके अपना समय निकाल के जाके देखते हैं जी? रवा सब लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, जे रवा लोग हमरा के इतना प्यार देनी, आशीर्वाद देनी, और आज यही कारण हम अंजना सिंह बानी, तो अपन प्यार आशीर्वाद ऐसे ही हमरा पे बनाए रखी और हम आप लोगों खातिर हर एक फिल्म में अलग अलग किरदार के रूप में सामने आवत रह और प्यार बस देते रहिए। लड़का बैठा रहे फंबल कर रहा है, और जिसमें हम लोग को छेड़छाड़ करने वाला है ये वो आदमी क्या है, हमारे जैसे अच्छे लोगों से लड़कियाँ घबराती हैं, जैसे अच्छे लोग अगर रहेंगे ना तो लड़कियाँ ही गायब हो जाएंगी, भाग जाएंगी। नहीं नहीं बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो सब दर्शक जानते हैं कि हम कितने शरीफ हैं, शराफत चेहरे से चेहरे से शरीफ से शरीफ से है भाई। दो प्यारी लड़कियों के साथ मैं अपने आप को नर्वस, पसीने आ रहे हैं, मैं डर रहा हूँ, आ रहे हैं पूरा आंतरिक पसीना है। हाँ तो मेरी वो लाइन अधूरी रह गई थी,
आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद साथ देते रहिए और हम लोग आपके सामने इतने ही दिन में लेके आते हैं. थैंक यू. केके को भी बुलाइए. और केके जी हो गया आपका. अरे तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है. अरे हबीबी हबीबी सॉरी माय मिस्टेक. अरे हटाना कैसे भाई. रुको रुक दो वहीं पे यार. घूम कर चले. रोल 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 ज्यादा आप लोग थोड़ा. सुबी क्या कहना चाहेंगे. बहुत खूब बता रहे हैं. क्या कहना चाहोगी और किस प्रकार का किरदार है. क्या चल रहा है यहाँ पे. चलाइन फिल्म की बात करें आपके किरदार की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे. जी सुबी सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी शुक्रिया जो आपने अपनी तारीफ की. और मैं सभी को शुभी शर्मा की ओर से नमस्कार कहना चाहूँगी. हाय कहना चाहूँगी. और हम हैं सेट रानी दिलभर जानी के सेट पे हैं. और आज इस माहौल के अंदर आप सभी लोग यहाँ पे हैं. आई एम वेरी हैप्पी. इस सेट पे आज एक धमाल होने वाला है. मस्ती होने वाली है. लाइफ में मैं पहली बार पिक्चर में एक अरेबियन डांस करने वाली हूँ अंजना जी के साथ में. हम दोनों फुल ऑन अरेबियन बेला डांस और बहुत सारे मूव करने वाले हैं इस गाने में. अब बाली जी की कोरियोग्राफी डायरेक्शन में काम करेंगे. आई एम वेरी हैप्पी. आप पूछिए. जी जी सकीरा सकीरा की बात करें तो कौन सकीरा इसमें बाजी कौन मारेगा. अंजना मारेंगे या सुबी मारेंगे सकीरा. दोनों मारेंगे. ऐसा कुछ नहीं दोनों को ही देसी शकीराएं दिखेंगी आपको अलग अलग अंदाज के अंदर. सुबी और सकीरा की बात अपना सुबी और अंजना की बात करें तो क्या दोनों में कंपटीशन और क्या कुछ यहाँ पे चलने वाला है. मतलब इन द सेंस अगर दोनों हैं सुबी और अंजना तो कहने का मतलब कि फुल एंटरटेनमेंट प्योर एंटरटेनमेंट होगा मुझे ऐसी उम्मीद है. क्या कहना चाहेंगे. जी डबल धमाल होने वाला है. और ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट 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 डबल धमाल डबल 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 धमाल. मी बालीजी अंजना जी मिलके धमाल करने वाले हैं जो हमारी ऑडियंस को आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. सुबह आने वाली फिल्मों की बात करें अगर आपके तो कौन सी फिल्में हैं जो दर्शक जल्द देख पाएंगे. जी सबसे पहले पिक्चर आ रही है मेरी धर्म के सौदागर रवि किशन जी के साथ में. राकेश मिश्रा जी इस पिक्चर में है. तनुश्री जी हैं और उसके डायरेक्टर अपना सनोज मिश्रा जी हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी. उसके बाद एक पिक्चर आ रही है जब प्यार किसी से होता है राकेश मिश्रा जी के साथ भूपेंद्र विजय सिंह जिसके प्रोड्यूसर हैं. एंड उसके बाद एक आ रही है तीन बुर्बा. और एक आ रही है हिंदी पिक्चर मेरी और आ रही है ऑब्जेक्शन माय गॉड जिसके राजू जी डायरेक्टर हैं. तो बैक टू बैक इतने धमाल आने वाला है. मैं कितना नाम काउंट करूँ मैं खुद भी भूल गई हूँ. काफ़ी सारी मूवीज आने वाली हैं जो मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को देखने को मिलेगी. सुबह चलते चलते एक आखिरी सवाल. राम लखन बहुत हिट हुई है उसमें आपका और परवेज लाल यादव का किरदार जोड़ी जो है दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं. कितनी खुशी हो रही है. क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद. प्यारे प्यारे दर्शकों को लाख लाख धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो मेरी सब पिक्चरों को देखते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं अपना आशीर्वाद देते हैं. मैं यही चाहूँगी मेरे सारे दर्शक मेरी सब आने वाली पिक्चरों को देखें और जैसे उन्होंने अभी तक अपना प्यार मेरे पर बनाया हुआ है आगे भी वो अपना प्यार ऐसे ही मेरे पर बनाए रखें. थैंक यू. थैंक यू. बाय. चलो भैया.
Yeah.
से जुड़ी हर खबर जानने व देखने के लिए सब्सक्राइब करें नव भोजपुरी।